राप्ती नदी के तट पर स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट और प्रभु श्री राम घाट पर बाढ़ के दौरान उत्पन्न हुए कचरे को हटाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि मंगलवार को एकला बंधे पर स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्थल पर साफ सफाई के बाद राजघाट स्थित प्रभु श्री राम घाट और गुरु गोरक्षनाथ घाट पर भी सफाई का महाअभियान चलाया गया, जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और पर्यटन के क्षेत्र में विकसित दोनों घाटों पर लोग मनोरंजन का लुफ्त उठा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, कल दिनांक जो है 21 तारीख को हम लोगों ने एकला बंदी पे और राजघाट जो है हमारा अंत्येष्टि स्थल है उसके दोनों तरफ हम लोगों ने वो सफाई का स्वच्छता का विस्तृत अभियान चलाया था, जहां पर हम लोग गए और वहां पर एंटी लार्वा चूना मिलन सेवन का घोल का छिड़काव, सैनिटाइजेशन और अन्य तमाम जो स्वच्छता से जुड़ी हुई और जो कि संचारी रोग को से संबंधित है उनकी पे कार्रवाई की गई। और इसके साथ साथ जो वहां पर दोनों घाटों पर जो हमारी सीट की जमा की मतलब सीट जमा हो रही है उसको भी निकलवाने की व्यवस्था कराई जा रही है।